खबर गढ़वा से है, जहां जिले में शमशेर नाम का एक युवक पिछले 15 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। युवक पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार व्यक्ति अपना बेटा होने का दावा कर रहे थे। बात डीएनए जांच तक आ गई, लेकिन पुलिस को शक हुआ तो जांच की गई और जांच में युवक एक शातिर अपराधी निकला, जिसका नाम था शमशेर खान उर्फ राजा खान उर्फ एहसान खान। इस पर केरल, बिहार और झारखंड के कई जिलों में मामला दर्ज है। गिरफ्तार अपराधी भोजपुर जिले के पीरो थाना के मिलकी गांव का रहने वाला है। अपराधी इतना शातिर था कि सबसे पहले जिस इलाके में जाता था वह पता करता था कि यहां बहुत दिनों से कोई व्यक्ति लापता या गुम हुआ है, बस उसी का बेटा बनकर रहना शुरू कर देता था। फिर वहां से अपराध कर चंपत हो जाता था और पुलिस उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 15 दिन पहले बिशुनपुरा के पतिहारी के पूर्व मुखिया मुन्ना अंसारी के द्वारा एक लड़के को घूमते हुए बिशुनपुरा में पाया गया। उससे जब पूछताछ किए तो उसने बताया कि वो लड़का जो है वो 15 साल पहले यहाँ से इसी एरिया से चला गया था कहीं बाहर काम करने के लिए। उसके बाद से वो गुम हो गया। उसके बाद वो यहाँ पर फिर से आया है। उसको याद नहीं है कि वो कहाँ उसका घर है, पर उसके अपने भाई का नाम जो है असलम बता रहा है। तो उसको व्हाट्सएप पर उसके द्वारा जो है मुन्ना अंसारी के द्वारा वायरल किया गया, ताकि किसी का अगर घर का बेटा होगा तो वो उसको पहचान करके उसको भेज जाएगा। और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये शातिर अपराधी जिसके कई नाम हैं और इसके कई कारनामे भी हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में इसने आपराधिक घटनाएं की है। जी रश्मि, बता दूं कि मैं एक नए तरह का फ्रॉड कहा जाए या अपराध कहा जाए कि जो अपराधी है वह गांव में पहुंचता है या कलेक्ट करता है सूचना की इस गांव से कौन बच्चा जो है 10 से 15 साल पहले गुम हुआ है और उसके भाई की पहचान करवाता है और वहाँ पे जो सोशल मीडिया है या कुछ लोगों से मिलकर वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह फैलाता है कि उसके जो भाई हैं ये हैं और वह इतने साल पहले यहाँ से गुम हो गया था और उसे लेकर लोग अपने घर जाते हैं और इसी का फायदा वो उठाता है। लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और वहाँ पे कई बड़ी अपराधी घटनाओं को इसने अंजाम दिया है। उसी की फिराक में वह गढ़वा भी आया था और यहाँ एक नहीं चार लोगों ने अपना बेटा होने का दावा पेश किया, लेकिन पुलिस जब सख्ती से उसे कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और सारा अपना अपराध जो है वो पुलिस के सामने कबूल कर दिया। उसने बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि केरल में भी इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर दे चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।